Also, I'll tell you that how you can prepare using the BH materials, where are the BH question banks, notes, and etc. etc. So, make sure you watch the video till the end to get a more detailed explanation about the preparation. So, emphasizing on the IMP questions first, so there are 16 concepts that you need to do. We'll be doing that into 4 sections, wherein section 1 and section 2 will be very important. So, make sure you do these questions well so first section may we'll be doing four questions wherein the first is explain a pantograph uh, type of isolator next is what is the role of instrument transfer uh, transformers in measuring and protection next is what is the difference between measuring and protecting ct's and the last one is write down the selection of technically uh, suitable instrument transformers so guys these four questions for section one let's go to section two wherein the first is Explain different types of switch gear location of switch gear and in typical power system and single line. Next is draw and explain the diagram to show the measuring and protection scheme. Next is discuss switching uh, devices, isolators, earthing switches. And the last one is explain load break switches, ratings, and applications. So, guys, these are the eight important questions that you need to do. And if you are looking for answers, if you have more detailed questions, cheers. so you can definitely check out the Braineaters app. You'll get the question banks and BH notes there. टॉकिंग अबाउट सेक्शन थ्री अगेन यहाँ पे हम चार क्वेश्चन करेंगे वैर इन द फर्स्ट इज एक्सप्लेन डिफरेंट ऑफ आर्क इंटरऑप्शन नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ प्रिंसिपल बल्क ऑयल सर्किट ब्रेकर नेक्स्ट इज कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ एस एफ सिक्स सर्किट ब्रेकर नेक्स्ट इज एक्सप्लेन कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ एच आर एफ यूज सो गई दिस फोर क्वेश्चन फॉर सेक्शन थ्री गो टू सेक्शन फोर वेर इन द फर्स्ट इज Why are isolators, contactors, circuit breakers used in power systems? Next is explain the properties of SF6 gas that make it suitable for arc quenching. Next is what are the different types of fuse available and explain the constructional detail of HR

डिपेंडिंग ऑन वट एवर योर एम इज टू स्कोर आप पासिंग मार्क्स के क्वेश्चन कर सकते हो आप एवरेज मार्क्स के क्वेश्चन कर सकते हो एंड आप स्कोरिंग के लिए भी क्वेश्चन कर सकते हो इन सबके के आंसर्स ऑलरेडी अवेलेबल है बी एच नोट्स में वंस यू डन विद प्लान गो टू द बी एच क्वेश्चन बैंक आपको मॉड्यूल वाइज क्वेश्चन मिल जाएंगे उसमें सो चैप्टर वन में से कितने करने हैं चैप्टर टू में से कितने करने हैं चैप्टर थ्री में से करने हैं एक प्रॉपर काउंट अवेलेबल है वहां पे सो गैस चेक दैट एज वेल सो Uh, अगर मैं आपको समरी दूं अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है जस्ट गो टू द ब्रीनिटर्स ऐप पहले प्लान्स करो फिर क्वेश्चन बैंक्स करो यू आर गुड टू गो फॉर द एग्जाम ओके सो यू नीड नॉट वरी वी हैव लाइक कवर्ड ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट जो आपको करना है इसमें एंड अगर आप एग्जाम के एक रात पहले भी लाइक इफ यू आर प्लानिंग टू फिनिश एवरीथिंग अप इट इज़ प्रैक्टिकली पॉसिबल क्योंकि आपको ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करना है यू जस्ट हैव टू लाइक स्मार्टली कवर ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट दैट यू हैव मैंशनड

क्वेश्चन बैंक्स वाइवा क्वेश्चंस एवरीथिंग आपको मिल जाएगा व्हाट्सएप कम्युनिटी में फॉर मोर अनाउंसमेंट्स एंड अपडेट्स आप इंस्टाग्राम तो, भी फॉलो कर सकते हो जॉब अपडेट्स होते हैं अकेडमिक अपडेट्स होते हैं टाइम होते हैं टाइम टेबल्स होते हैं एवरी अपडेट इज पोस्टेड ऑन इंस्टाग्राम्स लाइक फॉलोअर्स देयर एज वेल यू कैन स्टे कनेक्टेड टू अर्स ऑन लिंक इन ऑल्सो इफ यू आर लुकिंग फॉर एनी जॉब और यू आर लुकिंग फॉर एनी नॉन टेक्निकल इन टर्नशिप आर करियर पेज इज डेफिनेटली ओपन फोर यू ऑल आई एम पुटिंग द लिंक इन द बायो यू कैन चेक दैट अप यू कैन अप्लाई एंड आर टीम विल गेट बैक टू यू ओके सो आई गेस दिस इज इट फोर दिस पर्टिकुलर वीडियो और आपको अगर कोई और वीडियो चाहिए या कोई और डाउट है कोई और सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए प्लीज कमेंट डाउन एंड आई विल ट्राई टू मेक श्योर कि आपको सारे हाउ टू पास क्वेश्चन मिल जाए एंड आप इजिल फिगर कर सको ये सब्जेक्ट को कैसे क्लियर करना है इवन इफ इट इज़ वन नाइट प्रायर ओके So yeah, I guess that's it for today's video and I'll see you in the next one. Bye bye.